नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंशली सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट और एमवाईएच हॉस्पिटल में प्रोफेसर डॉक्टर यामिनी गुप्ता, जो कान नाक और गले से जुड़ी बीमारियों और उसके निदान के बारे में जानकारी देंगी। डॉक्टर यामिनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर, विंटर सीजन शुरू हो चुका है और हम सभी को पता है कि इस समय नाक कान और गले में कितनी ज्यादा परेशानी होती है, खराश होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि क्यों ये होती है और इसके लक्षण क्या क्या हैं। जब हमारी ठंड शुरू होती है जी, उसका आगाज होता है दिवाली के समय से। दिवाली के समय जो हमारे एनवायरनमेंट में धूल मिट्टी के कण, धुएं के कण उड़ते हैं, उसके कारण जो सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो एलर्जी की आती है। इसे हम इस तरह समझना चाहेंगे कि जिस तरह हमारे घर में अगर कोई चोर घुसता है तो चौकीदार उससे फाइट करता है, तो कुछ चोट चौकीदार को भी लगती है। इसी तरह जब ये बाहरी कण हमारे श्वसन तंत्र में एंटर होते हैं तो हमारी बॉडी उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करती है। उस कारण हमारी बॉडी में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। वो इस तरह होती हैं कि नाक से पानी आना, उसमें सूजन होना, जिसके कारण नाक में हमें रुकावट महसूस होती है, नाक में व गले में खुजली होना, कभी कभी आँख व कान में भी खुजली होती है। तो इस तरह की समस्याएं हमें आती हैं और सडन चेंज होता है हमारा टेम्परेचर का, उस कारण भी ये जो ठंड वाली समस्या है ये आती है जी। इसके अलावा बच्चों में भी इस तरीके की परेशानी डॉक्टर देखने को मिलती है। छोटे छोटे बच्चों में इस तरीके की परेशानी होना शुरू हो जाती है, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान इस दौरान रहते हैं। क्या उनके लिए भी ये कोई गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकती है? जब बार बार जुखाम होता है तो उसके कारण छोटे बच्चों में शारीरिक लड़ने की क्षमता में कमी आती है, जिसके कारण उन्हें टॉन्सिल का इन्फेक्शन काफ़ी बार हो जाता है। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि हम शुरू से ही बच्चों में रात के दांत साफ करना, ब्रशिंग की हैबिट डालें। और इस तरह अगर हम ब्रशिंग की हैबिट डालेंगे तो कीटाणु जो 12 घंटे सोने का समय होता है उसमें नहीं ग्रो कर पाएंगे और इस तरह की समस्या से हम काफ़ी हद तक कॉम्बैट कर लेंगे जी। टॉन्सिल के अभी आपने जिक्र किया डॉक्टर यामिनी, टॉन्सिल कौन से केसेस में अगर होते हैं और अगर हो रहे हैं तो इसको कैसे रोका जा सकता है? टॉन्सिल के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टॉन्सिल हमारी शरीर की लड़ने की क्षमता जो होती है उसके विकास में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं जी। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस समय माँ की इम्यूनिटी उसकी रक्षा करती है। जब बच्चा बाहर की दुनिया में आता है तो 1 से लेकर 5 साल की उम्र तक वो धीरे धीरे विभिन्न प्रकारों के कीटाणुओं से एक्सपोज होके उसकी अपनी शारीरिक लड़ने की क्षमता, अपनी इम्यूनिटी डेवलप होती है। इस बीच ये जो काम करते हैं ये टॉन्सिल्स करते हैं, और चूंकि जब वो सेल्स ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, उनको इन्फेक्शन बार बार होता है, तो उनका साइज भी बड़ा हो जाता है। जब धीरे धीरे बच्चा ये शक्ति डेवलप कर लेता है कि वो अपने फाइट कर सके बाहरी कीटाणुओं से, तो फिर टॉन्सिल्स का साइज धीरे धीरे कम होता है जी। लेकिन कुछ केसेस में इसमें काफ़ी इन्फेक्शन होता है, उन केसेस में फिर हमें इन्हें ऑपरेशन द्वारा सर्जिकली निकालना पड़ता है जी। डॉक्टर, एक और चीज़ मैं यहाँ से जानना चाहूँगी, कौन सी उम्र में बच्चों को टॉन्सिल होता है, क्या इसकी भी कोई एक उम्र निर्धारित है? टॉन्सिल जिस तरह उंगलियां हमारे हाथ का हिस्सा है, इसी तरह टॉन्सिल भी एक गले का अभिन्न हिस्सा है। टॉन्सिल होना, जो हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उसका मतलब ये लेना चाहिए कि उस टॉन्सिल में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। अदरवाइज टॉन्सिल तो एक हमारी नॉर्मल शारीरिक रचना है जी। जी, टॉन्सिल अगर हो रहा है तो कैसे उसका ख्याल रखा जाए, क्या बच्चों को खाने में देना चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर टॉन्सिल हो रहा है तो खाने में भी परेशानी होगी, बच्चों को क्या खाने में देना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए खाने से?
जब जिन बच्चों में टॉन्सिल में बार बार इन्फेक्शन की समस्या आती है, उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें रात का ब्रश ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि रात के जो 8 से 12 घंटे की नींद होती है, अगर हमारी लार में कीटाणु रहते हैं तो वो काफ़ी मात्रा में पनप जाते हैं। इसलिए रात का ब्रश करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक खान पान का सवाल है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें बहुत ज़्यादा ठंडा न दे। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में हम दे सकते हैं। काफ़ी समय ये अवधारणा रहती है कि हम अगर दही देंगे या चावल देंगे या नींबू देंगे तो वो इन्फेक्शन को बढ़ा देगी, पर मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ अवधारणा है, ऐसा नहीं होता है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम उन्हें एकदम ठंडा, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम कॉन्स्टेंटली आइसक्रीम्स दे रहे हैं तो वो एक इन्फेक्शन का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं जी। पर चावल, केला और अगर हम नींबू पानी भी देते हैं तो इस चीज़ से टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होने की चांसेस नहीं होते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर, कानों के बारे में आपसे मैं जानकारी लेना चाहूँगी, क्योंकि ये भी देखा है कि छोटे बच्चों में ईयर वैक्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, और पेरेंट्स क्या करते हैं कि घर में ही घर का जो उपचार है वो करना शुरू कर देते हैं, बच्चों के कानों में तेल डालना शुरू करते हैं या कोई अन्य नुस्खे अपनाना शुरू कर देते हैं अगर उनको कानों में दर्द होना शुरू होता है तो। क्या ये कारगर साबित होते हैं? अगर बंद भी हो जाए दर्द तो क्या बाद में दर्द नहीं होगा, ये भी देखा गया है? ये काफ़ी अच्छा सवाल आपने उठाया है। अक्सर हमारी सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, बट मैं यहाँ आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगी कि वैक्स जो बनता है हमारे कानों में वो एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव सिक्रीशन है, जिससे कि बाहर के कीटाणु मच्छर हमारे कान में न जाएं, उसके लिए वो है। अगर वैक्स नहीं बनेगा तो हमें इस तरह की समस्याएं होंगी। वैक्स नॉर्मली जिन लोगों में बनता है वो अपने आप, जैसे हम जब कुछ खाते हैं तो जबड़े के मूवमेंट्स होते हैं या हमारे चमड़ी में जो हेयर होते हैं उसके मूवमेंट के द्वारा आमतौर पे वैक्स बाहर आ जाता है और उसे हमें साफ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आजकल देखा गया है कि लोग कान में अपने ईयरबड्स डालते हैं, उससे क्या होता है कि वो बाहर तो नहीं निकलता है और अंदर चला जाता है। वैक्स क्लीन सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में करवाना होता है जिन लोगों में वैक्स काफी मात्रा में बन रहा है, वो जो वैक्स सिक्रीशन ग्लैंड्स हैं वो काफी एक्टिव है, या कान का जो रास्ता है वो नैरो है तो वैक्स अपने आप बाहर नहीं आ पा रहा है। इन कंडीशन में ही हमें वैक्स को विशेषज्ञ से क्लीन करवाना चाहिए। जो आपका सवाल था कि कान में तेल डालना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए तेल, चाहे दर्द हो रहा हो। अगर दर्द है तो आप दर्द की गोली ले लीजिए। तेल डालने से क्या होता है, तेल एक अच्छा मीडिया होता है फफूंद की ग्रोथ के लिए। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि गर्म तेल डालने से उस समय तो फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाता है, लेकिन बाद में उन लोगों में फफूंद ग्रो हो जाती है कान के अंदर, वो और ज़्यादा घातक होती है और इवन कान के पर्दे को भी डैमेज कर देती है। इसलिए हमें तेल बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मैम ये माना जाता है कि सरसों का तेल कान में डालने से जो ईयर वैक्स है वो बाहर आ जाएगा, इसी वजह से बच्चों के कानों में सरसों का तेल डाला जाता है और इसी वजह से उनके कानों में वो जो मैल है या फिर ईयर वैक्स है वो और जमता रहता है। जी, उसके अलावा भी जब हम बड्स भी डालते हैं तो मैल अंदर चला जाता है, प्लस अगर हम तेल डालेंगे तो उसमें कुछ समय बाद फफूंद की ग्रोथ हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर, कि कैसे कानों का ख्याल रखा जा सकता है ताकि इस तरीके की जो परेशानी होती हैं, जैसे कानों में दर्द की अगर समस्या हो रही है, क्योंकि कान में अगर दर्द होता है तो जाहिर सी बात है कि कान का दर्द अगर हो रहा है तो वो जबड़े में भी दर्द होगा, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, तो कैसे ध्यान रखा जा सकता है कि इन सारी चीज़ों से बचा जा सके? कान का ध्यान रखने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उसमें कुछ डालें नहीं, खासकर
जो हम देखते हैं आमतौर पे महिलाएं अपने से बालों में से पिन निकाल के डाल लेती हैं, या जो पुरुष वर्ग है वो चाबी, गाड़ी की चाबी वगैरह कान में बिल्कुल डाल लेता है मैल साफ करने के लिए, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जरा सी भी कान की जो चमड़ी है वो इतनी ज्यादा अटैच्ड होती है अंडरलाइन सरफेस से कि मामूली सी खरोच भी बहुत ज्यादा पेन देती है। इसलिए हमें कान के अंदर कोई भारी वस्तुएं नहीं डालनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, आमतौर पे कान का मैल अपने आप ही निकल जाता है, कुछ ही केसेस में ये जमा होता है, उन केसेस में हमें विशेषज्ञ से सलाह लेके उनसे ही निकलवाना चाहिए, अपनी तरफ से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज जो कान में दर्द होने का इम्पॉर्टेंट कारण होता है वो सर्दी जुखाम होता है, क्योंकि एक कान को और नाक को एक नली कनेक्ट करती है जिसे हम यूस्टेचियन ट्यूब बोलते हैं। जब भी हमें जुखाम होता है तो उसका जो नाक वाला हिस्सा है वो जी ब्लॉक होने के कारण कान में पर्दे पे प्रेशर आता है और दर्द होता है। बिल्कुल तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सर्दी जुखाम से अपना बचाव रखें। तीसरा कारण ये है, जैसा आपने बताया जबड़ा और कान का कनेक्शन होता है, तो डेफिनेटली जो दांत हैं और कान हैं उसकी नर्व सप्लाई कहीं ना कहीं कॉमन होती है, तो कभी कभी दांत की जो कैविटीज हैं या दांत का जो दर्द है वो भी हमें कान में महसूस होता है। तो इस तरह ये देखने में आया है कि कान नॉर्मल होते हुए दांत की खराबी के कारण भी हम कान में दर्द महसूस करते हैं। तो हमें दांतों की साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ एक चीजों का ध्यान रखने से हम कान के दर्द से बचाव रख पाएंगे। बिल्कुल एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम, यहाँ पर मॉर्निंग में उठते टाइम क्यों हमारे गले में बहुत ज़्यादा खराश रहती है, क्यों गला भारी भारी रहता है, क्या इसके पीछे भी कोई कारण है या कोई ये बीमारी का संकेत है? गले में भारीपन रहना ऐसा कोई सुबह के समय बीमारी का संकेत तो नहीं होता है डायरेक्टली, लेकिन जैसा मैंने बताया काफ़ी देश के काफ़ी हिस्से में ये प्रचलन है कि रात के समय दूध पिया जाता है। जब रात के समय आप दूध पीते हैं उसके बाद अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो वो दूध काफ़ी अच्छा मीडिया होता है कीटाणुओं की ग्रोथ के लिए, तो उस कारण भी हमें भारीपन लगता है। दूसरा रीज़न है भारीपन होने का, जिन लोगों में एलर्जी की समस्या होती है, तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो एलर्जी कॉमनली होती है वो डस्ट माइट से होती है, मतलब धूल के कण में जो कीटाणु पाए जाते हैं। और चूंकि अगर हम लंबे समय तक अपनी चद्दर नहीं बदलते हैं या तकिया का खोल नहीं बदलते हैं या हम गद्दों को धूप नहीं दिखाते हैं या वैक्यूम नहीं करते हैं, तो उस केस में धूल के जो कण हैं और डस्ट माइट्स हैं वो तकिए और गद्दे में चले जाते हैं। और चूंकि सोते समय हमारा काफ़ी नाक एकदम तकिए पे ही रहती है, तो उस कारण भी कई बार ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कितने कितने समय में आपने कहा कि ये जो चादर है और पिलो कवर्स हैं ये चेंज करते रहना है? ये हर 3 से 4 दिन के अंदर हमें चेंज कर लेना चाहिए। अगर हमारा गद्दा और तकिया रुई का है तो उसे साल में एक बार हमें खुलवा के वॉश करा के दोबारा भरवा लेना चाहिए। जी और अगर जो हमारे रेडीमेड गद्दों का प्रचलन है आजकल, तो हुँ. उसमें हमें हफ्ते में एक बार वैक्यूम क्लीनिंग जरूर करनी चाहिए। जी डॉक्टर और यामिनी आजकल इस एलर्जी से बचाव के लिए कुछ जी 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 बोलिए मैम। कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स भी आ गई हैं, वो भी हम चढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर एक और चीज़ यहाँ पर, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन उसके बावजूद भी गले में खराश बहुत ज़्यादा रह रही है, सर्दियों में ये सारी चीज़ें तो चलिए आम बात है, लेकिन समर सीज़न में भी अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, गले में खराश होना, बार बार गले में खराश होकर भी जुखाम लग जाना, क्या ये तब किसी बीमारी का संकेत हो सकता है? या हाँ, ये हमें एलर्जी की तरफ पॉइंट करता है और इसके लिए हमें एलर्जी या नाक कान गला विशेषज्ञ से मिलके ये जानना ज़रूरी है कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है, और हम उससे फिर हम एलर्जी की इलाज के तरफ जाएं जिससे कि हमें राहत मिले।
जी, इसके अलावा नाक, कान और गले में क्या कोई गंभीर समस्या भी उत्पन्न हो सकती है अगर लंबे समय तक हम ध्यान ना दें तो? क्या कोई बीमारी बन सकती है? जैसे जिन लोगों में तंबाकू खाने की आदत होती है या जो काफी स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों में अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो गले का कैंसर या मुंह का कैंसर होने की संभावना काफी रहती है। खासकर वो लोग जिनको आदत होती है कि वो गुटखा एक ही जगह दबा के रखते हैं, उससे क्या होता है, जो हानिकारक तत्व है उनका गाल की त्वचा से संपर्क ज्यादा समय रहता है और उस कारण उनको मुंह का या गले का कैंसर होने की संभावना रहती। अभी इसी बारे में फिर हम बात करते हैं मैम। आपने कहा कि तंबाकू खाने वालों को कैंसर का जो समस्या है वो ज्यादा हो सकती है और तंबाकू खाने वालों का जो प्रचलन है वो भी शायद बहुत ज्यादा इस समय हो गया है, ट्रेंड में बहुत ज्यादा हो गया है, उनके लिए फिर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? उनके लिए एक ही सलाह यह है कि आपको हर तरह के व्यसन से दूर रहना है, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो सुपारी हो, चाहे वो पान या गुटखा हो, क्योंकि किसी भी तरह का जो व्यसन है उसमें अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपके कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जी, इसके अलावा बच्चों की अगर हम बात करें मैम, बच्चों में जुखाम की समस्या अगर लग रही है इन दिनों में, इस विंटर सीजन में कैसे ख्याल रखें, कैसे परहेज करें, किन किन चीज़ों का परहेज करें और कौन कौन सी दवाएं वो ले सकते हैं, घरों में किस तरीके से उपचार कर सकते हैं? बच्चों में अगर इस सीजन में सर्दी जुखाम की समस्या है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उन्हें एक नॉर्मल टेम्परेचर के रूम में रखें, ज़्यादा ठंडे रूम में रखने से प्रॉब्लम होती है जी। दूसरा चीज़ जो है कि हम उनको लिक्विड्स काफ़ी मात्रा में दें जिससे कि बॉडी की हाइड्रेशन अच्छा रहे। तीसरी चीज़ जो हम घरेलू रूप से दे सकते हैं वो विटामिन सी है, जो कि नींबू में, मौसम्बी में, संतरे में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें देने से जो श्वसन तंत्र के सेल्स होते हैं वो काफ़ी हेल्दी रहते हैं और जिसके कारण सर्दी की प्रॉब्लम हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं जी। और हमें सडन टेम्परेचर वेरिएशन से बचाना होगा, जैसे घर से निकल के एकदम ठंडी हवा में न जाएं, इस तरह के छोटे छोटे परहेज रखने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर गले में किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, गले में सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और अगर उस ओर मैम ध्यान नहीं दिया गया तो क्या ये किसी और चीज़ का संकेत हो सकता है या क्या ये फ्यूचर में किसी और बीमारी का खतरा उत्पन्न कर सकता है? अगर इन्फेक्शन शॉर्ट टर्म है तो डेफिनेटली ये दवा गोली से ठीक हो जाएगा और इसमें ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, पर अगर ये समस्याएं लंबे समय तक बनी रहती हैं तो डेफिनेटली हमें इसके पीछे का कारण जानना ज़रूरी है और उसके हिसाब से इलाज करवाना भी ज़रूरी है। जी, लंबे समय तक अगर जुखाम की समस्या लगी रहती है, 3 दिन तक 4 दिन तक जुकाम अगर हो रहा है तो चलिए ठीक है, मान लीजिए ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर लंबे समय तक मैम अगर जुकाम हो रहा है तो नज़ला पैदा कर देता है, नज़ला कितना ज़्यादा घातक साबित हो सकता है? अगर लंबे समय तक जुखाम रहता है तो धीरे धीरे हमारे जो साइनस हैं, जो एयर फिल्ड स्पेसेस होती हैं मुंह में, उनमें भी इन्फेक्शन हो जाता है और साइनोसाइटिस की समस्या से हम ग्रसित हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे सूंघने की क्षमता भी खत्म होती है, उस समय के लिए हम सूंघ नहीं पाते हैं। ग्रेजुअली अगर ये लंबे समय रहता है तो नाक में मस्से की समस्या भी डेवलप हो जाती है जिसके कारण फिर नाक बंद रहने लगती है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, नाक और कान को एक नली कनेक्ट करती है, तो अगर लंबे समय तक नज़ला रहता है तो धीरे धीरे कान में भी पानी भरता है जिसके कारण कान में सुनने की समस्याएं डेवलप होती हैं। तो बच्चे का फिर स्कूल में सुनाई नहीं आता तो फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, वो समझ नहीं पाता टीचर क्या बोलती हैं, तो इस तरह ग्रेजुअली उसको और भी समस्याएं आती हैं। क्या ये बड़ों में भी हो सकता है? कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा होने के कारण
जी, ये बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन नाक के कारण कान की समस्याएं बच्चों में काफी ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू बड़े लोग। कैसे इसका ध्यान रखा जा सकता है, क्या इसमें खाने पीने का ध्यान रखें ताकि इस तरीके की जो परेशानी है वो ना हो, गले का ध्यान रखें, आंखों का ध्यान रखें और साथ ही साथ नाक और कान का ध्यान रखें? जैसा मैंने आपको बताया, सडन टेम्परेचर वेरिएशन से बचाव रखना है। विटामिन सी का प्रयोग हमें काफ़ी मात्रा में करना है, क्योंकि विटामिन सी जो है वो हमारे श्वसन तंत्र की सेल्स को मजबूती देता है। हमें अपनी बॉडी का हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। चूंकि ठंड का मौसम है तो हम थोड़ी थोड़ी देर में गर्म पानी या गर्म लिक्विड्स ले सकते हैं, वो या तो कॉफ़ी हो या चाय हो या दूध हो या सूप हो, इस तरह के तरल पदार्थ हम लेंगे तो हमारा गला एवं नाक ठीक रहेगी। कभी कभी अगर ज़्यादा समस्या है तो हम नाक से गर्म पानी की भाप भी ले सकते हैं। जी, बच्चों को भी स्टीम देना क्या लाभदायक है मैम? डेफिनेटली लाभदायक है, पर बहुत एक्सेसिव स्टीम नहीं देना चाहिए। और दूसरा, ये एहतियात रखनी चाहिए कि बच्चों को जब हम स्टीम दे रहे हैं तब बच्चे के हाथ पांव लगने से वो स्टीम गिर ना जाए और वो जल ना जाए। इसलिए बेहतर ये होगा कि जब बच्चा सो रहा होता है तो उसके पास हम स्टीम रख दें, तो एनवायरनमेंट में वो ह्यूमिडिफाइड एयर रहती है तो उससे भी फायदा हो जाता है। जी, नवजात जो बच्चे होते हैं उनको भी निमोनिया की काफ़ी ज़्यादा शिकायत हो जाती है, तो क्या उस केस में भी उनको भी स्टीम दिया जा सकता है? निमोनिया की शिकायत में स्टीम बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती है, लेकिन अगर उनको मामूली सा नज़ला है तो उनको, जैसा मैंने आपको बताया कि उनके पास स्टीमर रख सकते हैं जिससे कि उनको ह्यूमिडिफाइड एयर मिले। इसके अलावा उनका किस तरीके से ध्यान रखा जा सकता है, नवजात बच्चों का, अगर उनकी नॉस्ट्रिल्स ब्लॉक हो गई हैं? नवजात बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि नॉस्ट्रिल्स ब्लॉक अगर हो गई हैं तो एक सलाइन ड्रॉप्स आते हैं, हम वो डाल सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि जब भी हम बच्चों को दूध पिलाते हैं तो माताओं को ये ध्यान रखना है कि उनका जो सिर है वो हमेशा ऊपर की तरफ हो। जब हम दूध पिलाते समय सिर फ्लैट रखते हैं तो जो दूध है वो उस नली के द्वारा कान की तरफ जाने की भी संभावना रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको जब दूध पिलाया जाए तब उनका सिर उनके बॉडी के लेवल से हायर होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर यामिनी, समय की थोड़ी सी कमी है हमारे पास, आप जुड़ी हमारे साथ, बातचीत करी इस चर्चा में, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को कीमती समय देने के लिए। सेहतनामा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।